हेलो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ जो है वो गिनाने वाला हूँ इस गाड़ी के बारे में, वो पर्टिकुलरली इस वेरिएंट के बारे में। ये वी वेरिएंट है जो कि होंडा सिटी का सबसे बेस वेरिएंट आता है। इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे फीचर हैं, कीलेस एंट्री है, टच स्क्रीन है, क्रूज कंट्रोल है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स है, मतलब चार एयर बैग है, खूब फीचर्स हैं बहुत सारे, मतलब जो कि टॉप मॉडल में आते हैं वैसे वैसे फीचर हैं। लेकिन एक जो फीचर, मतलब फीचर तो क्या, एक जो कमी मुझे सबसे ज़्यादा गंदी लगी वो पर्टिकुलरली इस वेरिएंट के लिए है। कोई मतलब ऐसे वी एक्स या जेड एक्स, तीन वेरिएंट आते हैं, वी, वी एक्स और जेड एक्स, तो ये वी वेरिएंट है बेस मॉडल। उसके अंदर पता क्या है, आपको पता है कि इसके अंदर 15 इंच के अलॉय व्हील आते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, इसके अंदर ऐसे कुछ अलॉय व्हील आते हैं 15 इंच के, जिनका साइज़ 185/60 R15 है, और ये 15 इंच के ऐसे नॉर्मल अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है, जो स्पेयर व्हील है ना वो रिम है, नॉर्मल अलॉय व्हील नहीं है। ये देखो ये रिम है नॉर्मल, और इसका साइज 185/65 R15 है, और ये नॉर्मल स्टील व्हील है, रिम है, मतलब अलॉय व्हील नहीं है। ये मुझे समझ नहीं आया क्या चक्कर है। जो वी एक्स है, जेड एक्स है, उन सब वेरिएंट के अंदर जो है स्पेयर व्हील सेम साइज का आता है और अलॉय व्हील आता है सेम डायमंड कट, लेकिन इसके अंदर पता नहीं क्या कॉस्ट कटिंग कर रखी है, ये पता नहीं क्या कॉस्ट कटिंग कर रखी है होंडा वालों ने। इसके अंदर सिर्फ जो है रिम दे रखा है, बाकी जो भी वेरिएंट्स हैं वी, वी एक्स और जेड एक्स, उनके अंदर जो है अलॉय व्हील आता है सेम साइज का डायमंड कट, लेकिन इसके अंदर ना तो अलॉय व्हील है और साइज भी छोटा दे रखा है। ये पता नहीं क्या, वी एक्स के अंदर भी ये है कि अलॉय व्हील मिलता है आपको सेम साइज का, जेड एक्स के अंदर भी, वी के अंदर पता नहीं क्या है, जो कि गलत बात है यार। करो तो फिर इसमें भी दे ही देते, 15 इंच का अलॉय व्हील दे देते, स्टील व्हील दे रखा है, रिम है सिर्फ नॉर्मल, अलॉय व्हील दे देते तो पता नहीं क्या चला जाता, और एक साइज छोटा दे रखा है। जो नॉर्मल टायर है वो 185 के, लेकिन इसके अंदर 175 का जो है वो टायर दे रखा है, पता नहीं क्या चक्कर है। बाकी वेरिएंट के अंदर तो ऐसे कर नहीं रखा, वी वेरिएंट के अंदर ही कर रखा है, और ये वी वेरिएंट आप MID से समझ गए होगे, पता नहीं क्या कॉस्ट कटिंग है। या तो सभी वेरिएंट में करो या फिर किसी में भी मत करो, इसमें भी 15 इंच का अलॉय व्हील दे देते, पता नहीं क्या कॉस्ट कटिंग है इसमें, पता नहीं क्या इनने बचा लिया, एक साइज टायर छोटा दे दिया और नॉर्मल स्टील व्हील दे दिया रिम की बजाय। 5-10 हज़ार और फालतू ले लो, कभी आदमी की जरूरत पड़ जाए इमरजेंसी में, कहीं पे ना रुक सके वो लंबे ट्रिप पे हो, तो कम से कम आराम से शांति से यूज़ तो कर ले उसको। इसमें तो यश कुछ ना कुछ लिमिट होते कि 90 से ऊपर या 80 से ऊपर आप गाड़ी को लेके नहीं जा सकते, और मतलब कई सारे दिक्कत आती हैं, आपको फटाफट चेंज करवाना है, ज़्यादा दूर तक लेके नहीं जा सकते आप इसको, पता नहीं क्या सिस्टम है यार। ये चीज़ ना होंडा को सुधारनी चाहिए इस वेरिएंट के अंदर, अगर आगे कोई भी अपडेट आता है या फिर कुछ भी, होंडा को ये बंद कर देना चाहिए कि ना आपको अलॉय व्हील मिलना चाहिए वी वेरिएंट के अंदर भी, जो स्पेयर व्हील है रिम दे रखा है नॉर्मल, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है यार। वी और बाकी वेरिएंट्स में तो ऐसा कुछ नहीं, इसी वेरिएंट के साथ पार्शियलिटी कर रखी है थोड़ी सी, और बाकी फीचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन 5-10 हज़ार फालतू लेके चाहे अलॉय व्हील दे देते, क्या चला जाता है सेम साइज़ का, मुझे तो समझ नहीं आई ये बात, छोटा टायर दे के क्या स्पेस सेवर बता देते हैं ये। तो चलो भाई, मेरे को तो बस ये सबसे बड़ा नेगेटिव लगा इस गाड़ी के अंदर, सबसे बड़ा कि आपको स्पेयर व्हील जो है वो अलॉय नहीं मिलता, रिम मिलता है सिर्फ स्टील व्हील, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव है इस गाड़ी के अंदर, वी वेरिएंट के अंदर तो पर्टिकुलरली। तो चलो भाइयों, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।